महंगाई दीमक की तरह खा रही है। कभी सोचा है आपने, एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों? कभी सोचा है आपने, दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे। ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना। ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे। आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना, ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना, ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना, ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़। भोपाल के गोविंदपुरा से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर धुआंधार प्रचार में लगी हैं। इस सीट पर कांग्रेस के गिरीश शर्मा चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कृष्णा गौर का पलड़ा उनसे भारी है। इस सीट पर लंबे अरसे से कृष्णा गौर के ससुर और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर विधायक रहे हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है गोविंदपुरा। भोपाल के गोविंदपुरा में बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को कोई भी कांग्रेसी शिकस्त नहीं दे पाया है, लेकिन इस बार बीजेपी ने बाबूलाल गौर की जगह उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट दिया है। कृष्णा गौर बीजेपी में तमाम पदों पर रहने के साथ साथ मध्य प्रदेश टूरिज्म की अध्यक्ष भी रही हैं। कृष्णा गौर का इस गोविंदपुरा से लंबा पारिवारिक जुड़ाव है। इस चुनाव से पहले तक वो यहाँ अपने ससुर बाबूलाल गौर का प्रचार करती रही हैं। इस बार उन्हें खुद के लिए वोट मांगने पड़ रहे हैं। कृष्णा गौर को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने गिरीश शर्मा को मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ मामला कृष्णा गौर के पक्ष में ज्यादा लग रहा है। कृष्णा गौर से हमारी संपादक शेफाली गुप्ता ने बातचीत की तो कृष्णा गौर भी अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त नजर आईं। मैं इस वक्त गोविंदपुरा की लोकप्रिय नेत्री कृष्णा गौर जी के साथ हूँ। कृष्णा गौर जी का एक भारी समर्थन के साथ स्वागत हुआ है। कृष्णा गौर जी का यहाँ पे तुलादान होने वाला है। कृष्णा गौर जी की जीत इन समर्थकों की हौसला अफजाई से लगता है कि पक्की है। और कृष्णा गौर जी से हम बात करेंगे कि उनको क्या लगता है, वो क्षेत्र में काफी दिनों से घूम रही हैं, अब प्रचार के कुछ ही वक्त बचा है। पहले दिन से उम्मीद थी और आज भी उम्मीद है कि गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली विधानसभा होगी। कृष्णा जी से एक सवाल और है। कृष्णा जी जीत जाती हैं तो कृष्णा जी वे पहली महिला कहलाएंगी, भोपाल क्षेत्र से पहली महिला विधायक कहलाएंगी, उस पर क्या कहना आपका? मैं बहुत गौरव का अनुभव कर रही हूँ कि मेरी पार्टी ने बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे ये दिया है कि भोपाल से पहली महिला विधायक विधानसभा में पहुँचेगी
क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जो विश्वास क्षेत्र की जनता मुझ पर करेगी उस विश्वास पर खरा उतरना मुझे भविष्य में होगा। ईशा जी, आपको क्या लगता है, क्या समर्थन मिल रहा है और आपका क्या एक ग्राफ बनेगा जब आप जीत की ओर अग्रसर हैं? तो प्रारंभ से ही गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं के लिए मेरे मन में एक विशेष लगाव था और वो इसलिए था क्योंकि मैंने महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। मैंने हमेशा महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किए, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, चाहे राजनीतिक, और इसलिए महिलाओं के साथ एक अलग प्रकार की आत्मीयता मेरी है। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएँ मुझसे जुड़ी हैं और मुझे लगता है कि इस चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बहुत अधिक होगा। कृष्णा जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, अभी के पिछला काफ़ी समय का हम ग्राफ देखें तो महिला अत्याचार काफ़ी ग्राफ बड़ा है, लेकिन आप एक महिला हैं, आप पहली महिला विधायक कहलाएंगी जीतने के बाद, महिलाओं के लिए आप स्पेशली क्या करेंगे? मेरे लिए महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का सम्मान सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाला विषय रहेगा और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए। महिलाएं रात में 9 या 10 बजे भी अपने घर सुरक्षित रूप से पहुँच सकें, हमारी बेटियाँ सुरक्षित रहें, और इस दिशा में लगातार हमारी सरकार ने काम भी किया है। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा का प्रावधान हमारी ही सरकार लेकर आई थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया गया। एक बहुत बड़ी सुरक्षा महिलाओं को इस कानून के माध्यम से मिलने जा रही है। महिलाओं को सम्मान हर क्षेत्र में मिले, इस दृष्टि से मेरा फोकस रहेगा। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों, सामाजिक रूप से सशक्त हों, समाज में उन्हें सम्मानजनक दर्जा मिले, इस दिशा में मेरा प्रयास होगा और निश्चित रूप से एक महिला होने का गौरव हर महिला अनुभव कर सके, ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। कृष्णा जी, एक चीज और, विधायक चूंकि आप, गोविंदपुरा क्षेत्र आपका है, तो गोविंदपुरा के लिए क्या सौगात है आपकी ओर से? मैंने हमेशा गोविंदपुरा क्षेत्र की जनता की है, इस क्षेत्र के विकास का स्वप्न देखा और जब महापौर रही उस स्वप्न को साकार भी किया। मैं चाहती थी कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं इस क्षेत्र की जनता को, वो मिलनी चाहिए। यह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूरे भारत से आए हुए लोग बसे हुए हैं, किसी एक जाति या वर्ग के लोग यहाँ निवास नहीं करते, बल्कि विभिन्न विभिन्न जाति वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं। मेरा पूरा प्रयास इन सबको एक करके इस गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को विकास की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का होगा और निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में गोविंदपुरा विधानसभा एक ऐसा विधानसभा बने जिस पर गोविंदपुरा के रहवासी नाच कर सके। कृष्णा जी, सब पॉजिटिव है, एक नेगेटिव चीज और जानना चाहूंगी, क्या नोटबंदी और GST का असर पड़ा है इस चुनाव में, आप लोगों को झेलना पड़ा? मुझे लगता है कि अभी तक मैं जितने दिन से जनसंपर्क कर रही हूँ ऐसा एक भी विषय मेरे समक्ष नहीं आया, बल्कि लोगों ने समर्थन दिया, अपार समर्थन दिया, भरोसा जताया, मुझ में भरोसा है, मेरी मुख्यमंत्री में भरोसा है, हमारे प्रधानमंत्री जी में भरोसा है, और इसलिए मेरे जनसंपर्क के दौरान मुझे कहीं कोई इस प्रकार की नाराजगी देखने को नहीं मिली। ये है आपकी लोकप्रिय नेता कृष्णा गौर और उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे भारी समर्थन इनको प्राप्त हो रहा है कि वे चुनाव जीतेंगी और भोपाल की पहली महिला विधायक का खिताब भी साथ साथ जीत जाएंगी। दखल न्यूज की ओर से आपको एक संदेश की वोट देने जरूर जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है, क्यों? कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव। मेरे मध्य प्रदेश वासियों, भाजपा वाले अब आपको गुमराह जरूर करेंगे, ये 15 साल पुरानी बात करेंगे, आप इनके 15 सालों का हिसाब मांगना, ये फिर से युवाओं को लाखों नौकरियों के झूठे वादे करेंगे, आप प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर सवाल करना, ये आपकी दुकान पर वोट मांगने जरूर आएंगे, आप इनसे महंगाई, GST और नोटबंदी पर बात करना,
ये बहन बेटियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे। आप प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार पर विचार करना। ये किसान पुत्र होने का नाटक भी करेंगे। आप इन्हें मंदसौर के किसानों की याद दिलाना। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। दीदी, अब के चुनाव में भी हमको ही वोट देने आना। अरे भैया, ये क्या 15 साल का हिसाब लेकर आए हो? 15 साल में पूरा प्रदेश बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो गया है। चलो तुम अंदर जाओ। आए दिन प्रदेश में बलात्कार की खबरें, अब तो डर लगने लगा है। पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं तुम्हारे भाजपा के राज में। सबको पता है भाजपा का असली चेहरा। अरे दूसरों की कमियां निकालना छोड़ो, अपने 15 साल का हिसाब दो मुझे। चलो जाओ यहाँ से। और सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।